हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डांसर क्लासेस। हम लोग गवर्नमेंट के बाद आज और एक इम्पोर्टेंट थिंकर, मॉडर्न थिंकर, तो बुर्देव, और इनको आज हम शुरू करेंगे दैट व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुर्देव टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी और सोशल रियलिटी। सो बुर्देव एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी, फिलोसोफर माना जाता है, और इनकी जो थियोरिटिकल आइडियाज है, जो सैद्धांतिक विचार है, वो फील्ड से जुड़ा हुआ है, एम्पिरिकल रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ है, दैनिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। सो दैट मीन्स इनकी जब थियोरी ऑफ प्रैक्टिस की बात करते हैं, ये एक जो आप करते हो उसका एक सिद्धांत है, इट बिकेम एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दैट थियोरी ऑफ प्रैक्टिस बाई बुर्देव। और इनकी जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है इसको हैबिटस, नक्शा, कैपिटल या फील्ड, इससे जुड़े हुए उनकी बात को हम लोग पढ़ते हैं। और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो आप जरूर याद रखना है, जैसे रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, आउटलाइन ऑफ ए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, डिस्टिंक्शन, एसोशियल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ऑफ टेस्ट, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, होमो अकाडेमिकस, द फील्ड ऑफ कल्चरल प्रोडक्शन, इनकी बुक्स था। अब आप उनकी इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है, हैबिटस एंड फील्ड, कल्चरल रिप्रोडक्शन, डॉक्सा, रिफ्लेक्सिविटी, थ्योरी ऑफ कैपिटल जिसमें सोशल इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सिंबॉलिक कैपिटल की बात करते हैं, फिर होमो अकाडेमिक की बात करते हैं। ये जितने भी कंसेप्ट है, अगर आपको ब्रीफली मैं बताऊं दैट व्हाट इज दैट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस गिवन बाय बुर्देव, तो आपको लगेगा ही इज वेरी मच इन द व्यू ऑफ दैट हाउ द सोशल लाइफ ऑफ हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। और वो जो सोशल एक्टर इंडिविजुअल, जिसको आप एजेंसी कहते हो ग्रीडेंस की भाषा में, वो अपनी स्ट्रगल के माध्यम से, एक कलेक्टिव स्ट्रगल के माध्यम से सोशल एक्टर्स अपने जीवन को बनाता है। और इससे जो थिंकर्स जुड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपने हबरमास को या लेविस्ट्रस को, दुर्खाइम को जोड़ेंगे, सो बुर्देव की बात उन लोगों से बहुत सारी चीजों में आपको थोड़ी बहुत बातें सिमिलर नजर आएगा। क्यों? बुर्देव एक सोशल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, सोशल कंस्ट्रक्शन के साथ जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जैसे कि हैबिटस की बात करते हैं, दैट हाउ द एवरीडे लाइफ हैज ए रिलेशनशिप विद द इंडिविजुअल बट नॉट अबाउट द कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, तो व्यक्ति की बात करते हैं। और जितने भी उन्होंने बात रखा है, जितने भी कंसेप्ट दिया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट हाउ हिज आइडियाज आर वेरी मच रिलेटेड टू द मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न मीडिया, पब्लिक एक्शन, हाउ द वे ऑफ क्रिएटिंग द न्यू सोशल रिसोर्सेस एज ए रिलेशनशिप विद द एकेडमिक स्ट्रक्चर। और बुर्देव की जो कैपिटल की कंसेप्ट, अगेन एन इम्पोर्टेंट वे टू अंडरस्टैंड दैट हाउ बुर्देव आइडियाज हैज बिन रिलेटेड टू द सोशल चेंज, जो कैसे डक्सा में कंट्रीब्यूट चेंज होता है फ्रॉम हैबिटस, दैट हैबिटस इज अबाउट द इंडिविजुअल व्हिच इज सब्जेक्टिव, व्हेन ही टॉक्स अबाउट द फील्ड और द डक्सा इट बिकम्स द ऑब्जेक्टिव। ये जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को लेके एक कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ सोशल लाइफ की बात करता हूँ, सो दैट बिकम्स द इम्पोर्टेंट वे टू अंडरस्टैंड द आइडियाज ऑफ बुर्देव। बुर्देव की जो जिसको ना इसको टर्जन हर्ष कहते हैं, दैट मीन्स एकेडमिक वर्ल्ड में बहुत सारे अनवांटेड चीजों को, ट्रोजन हर्ष किसको कहते हैं, तो उनको उसको जोड़ के बात रखे हैं, जो बातें और थिंकर्स ने उस बात को नहीं लाया था। जैसे हमेशा हम लोग कैपिटल को समझते थे इट हैज रिलेशनशिप विथ इकोनॉमिक कंडीशंस और मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस,
जैसे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में हम कैपिटल को समझे, बट बोर्डियो जब कैपिटल की बात करते हैं तो वो कल्चरल कैपिटल की बात करते हैं, सोशल कैपिटल की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल कैपिटल की बात कर सकते हैं। तो ये सारे जो नई चीजें आपकी एकेडमिक्स के साथ जोड़ के बात करते हैं, दैट बिकम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द आइडियाज ऑफ बोर्डियो। विल कंटिन्यू बोर्डियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग डल सर क्लासेस।